गोबेले 12th मैन, गोबेले ग्राम पंचायत। तो यकीनन जब मैंने बात की थी चंदू शेट्टी सर से तो उन्होंने कहा था कई क्रिकेटर्स जो क्रिकेट खेलते खेलते नौकरी के लिए वंचित रह चुके थे, ऐसे तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को इन्होंने नौकरियां दी हैं, रिक्रूटमेंट की है। हाँ, पोलादपुर के 12th मैन है यहाँ पे, परमानेंट परमानेंट 12th मैन जो रहते हैं। और गोवेल के 12th मैन सचिन, निखिल मोरे हमेशा परमानेंट रहते हैं, पोलादपुर का मैच हो तो 12th मैन, और ये लकी भी है। तो पोलार्ड, पोलादपुर क्रिकेट का पोलार्ड कल्पेश मोहिते गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए, लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज भी वेस्ट इंडियन जैसी ही है, इसीलिए इन्हें पोलार्ड नाम मिला है। डीएसपी प्लीज कोऑपरेट कीजिए। पहली गेंद, इस गेंद को निकाला बल्लेबाज ने शॉर्ट पॉइंट के ऊपर, सिंगल मिला विनोद को, सिंगल से खाता खुल चुका है पोलादपुर बनाम गोबेले ग्राम पंचायत, एक ताकतवर लड़ाई इस श्रद्धांजलि ट्रॉफी 2022 में हमें नजर आ रही है। और इसी के साथ कल्पेश मोहित को मिली पहली सफलता, आउट होने वाले खिलाड़ी थे। पार्षद छोटू दीक्षित साहब नगर पंचायत, तो नगर पंचायत पोलादपुर के पार्षद, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। और इस गेंद को निकाला फिर से एक बार पॉइंट के ऊपर, इस गेंद को फील्ड किया गया। मेरे साथ मेरे साथी स्कोरर सूरज, साथी कमेंटेटर निलेश पवार सर, साथी डीजे निखिल, और वेबसाइट के जरिए इस मैच को दिखाया जा रहा है वो है tenniscricket.in, और अंपायर्स की भूमिका में पोलादपुर के लाडले दुलारे बाविस्कर और स्क्वेयर लेग अंपायर शिंदे। तो हमारे मेहमान प्रदीप भाई पवार का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। यहाँ पे गेंद डॉट डाली है पोलार्ड ने, पोलादपुर का ये पोलार्ड वेस्ट इंडियन बॉडी लैंग्वेज नजर आती है जब भी कल्पेश मोहिते मैदान पे उतरते हैं, ऊंचे कद के खिलाड़ी। आपको याद होगा जोएल गार्नर जो गेंदबाज थे वेस्ट इंडियन के, जोएल गार्नर, कर्टली एम्ब्रोस, कोर्टनी वॉल्श, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, और कार्लोस ब्राथवेट जो हम देखते हैं उसी तरह की बॉडी लैंग्वेज रखने वाला ये खिलाड़ी, काफी मेहनती खिलाड़ी क्रिकेट के लिए। लेकिन शॉट अच्छा कवर के ऊपर से इस गेंद को निकाला, 30 यार्ड सर्कल का भाव फायदा मिलता हुआ गेंद जा रही है डीप अच्छा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। तो 6 रन एक विकेट के नुकसान पर गोबेले पंचायत। इसके बाद का मुकाबला होगा दिनेश दादा मित्र मंडल बनाम फ्रेंडशिप सराई। तो देखिए आज के मैच का हमारा कोटा फिक्स हो चुका है, मैं ये लगातार 2 मैच करूंगा और उसके बाद आज के दिन का अंत करेंगे निलेश पवार, क्योंकि मुझे भी जाने की जल्दी है। ये देखिए पिंटू पारचा की तरह इनका फुटवर्क, हालांकि पिंटू पारचा का स्टाइल टांस ही रहता है ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन ये काफी ज्यादा घुसे थे गेंदबाज उतने ही माहिर सूरज।
सोनावड़े गेंद हवा में कैच होने की संभावना, व्यवसायिक क्रिकेट में ऐसे कैच छोड़े नहीं बल्कि लिए जाते हैं डीजे। हिंदुस्तानी क्योंकि एक बार गलती करे उसे इंसान, दूसरी बार गलती करे उसे शैतान, बार बार गलती करे उसे पाकिस्तान, और उन सभी गलतियों को माफ करे दोस्तों वो है हमारा हिंदुस्तान। तो आगे ही जाएगा हिंदुस्तान। ये देखिए कैलाश यादव थम्स अप दे रहे हैं हमें, कह रहे हैं कि सही चल रहे हो भाई और चलना ही चाहिए क्योंकि अप्रैल में समीर जी मसूरकर की जो प्रतियोगिता आ रही है खोपोली में, ये डिक्लेरेशन एक है। अब टोटल रन कितने, दो टोटल रन, दो टीम का टोटल गोवेले ग्राम पंचायत 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए आज शनिचर है, इस गांव में कई लोगों का फास्ट रहता है, उपवास शनिचर की वजह से। ये देखिए ये गेंद तो मैं तो कहूंगा घुटना टेक तमाशा देख वाली थी, लेकिन बाल बाल बचे गेंदबाज, थोड़ी सी वेरिएशन जरूर थी, रफ्तार में कमी थी, चेंज ऑफ पेस डिलीवरी जिसे कहा जा सकता है, ये लक्ष्मीन थी। क्या घुमाया कल इस खिलाड़ी ने हमें पोलादपुर में, घुमाया था पोलादपुर दिखाने के लिए, आज इस बल्लेबाज को घुमाया जा रहा है अपनी गेंदों से। छोटू दीक्षित और जो पार्षद है और ये जो खिलाड़ी है, इन्होंने घुमाया था पूरे पोलादपुर को कि देखो हमारे पोलादपुर में क्या क्या है। टीम का टोटल 9 रन, बहुत ही बढ़िया ओवर किया इन्होंने, महज 3 रन दिए। सूरज तारीफ काबिल गेंदबाजी, क्या संदीप कदम सर गेंदबाजी करेंगे? हाँ एक बात तो तय है कि जिस तरह बल्लेबाज के स्विंग के साथ पेड़ के पत्ते हिलते हैं, उसी तरह भाविस्कर सर ने ये बात कबूली कि संदीप सर के बगैर मेरा पोलादपुर में पत्ता भी नहीं हिलता। इस गेंद को निकाला, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि हुई 10 रन, 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लेकिन गोभी लेके इन बल्लेबाजों को बड़े हिट्स लगाने होंगे, संघर्ष करना होगा, मुझे कुछ कर दिखाना है, मैं कुछ कर सकता हूं, ये जोश और जुनून के साथ अगर खेलते। लेकिन ये हाथों में कैच और ये गया मैच डीजे। संभालते हुए देखिए मैं सिलवासा में मैच कर रहा था नीलेश, बैट्समैन नेम प्लीज, 12th मैन है यहां पे लेकिन उन्हें पता नहीं, ये नॉन स्ट्राइकर है ना। तो नीलेश दादा मित्र मंडल और फ्रेंडशिप ग्रुप सरई, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। संदीप का कदम गेंदबाजी की बागडोर संभाल रहे हैं, तो मैं इन्हें इस मैच के दौरान सर नहीं कह सकता, ये मेरे दिल में है क्योंकि जब मैं सिलवासा में गया था लेदर क्रिकेट खेलने के लिए, वहां पे जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उनको मैंने ऐसे ही बोलते बोलते कहा गेंदबाजी करते हुए, हरेश्वर स्वामी सर, तो उन्होंने कहा भाई उस वक्त मैं खिलाड़ी हूं, आप मुझे मेरे नाम से बोल सकते हो, तो वो बातें उन्होंने मुझे बताई। गोवेले पंचायत को ढूंढनी पड़ेगी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा।
और इस गेंद को निकाला, रन आउट का खतरा, लेकिन गिरे पड़े, मजा आ रहा है। मैच किसका है? नीलेश दादा मित्र मंडल, मेरा नाम डीएसपी है क्या? तो डीएसपी और नीलेश दादा मित्र मंडल, ये मैच है, क्योंकि मैच थोड़े ऊपर नीचे हुए थे लॉट्स के हिसाब से, ये मैच है। डीएसपी बनाम नीलेश दादा मित्र मंडल, ये गेंद ऑप्शन के बहुत ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, टीम का टोटल चौथे ओवर में 13 रन, उतना ज्यादा रन नहीं है ये, तो मैं कहूंगा पोलार्ड के सामने, भूखे शेर के सामने रखा हुआ एक छोटा सा निवाला नजर आएगा दूसरे सत्र में। ये गेंद हवा में, क्या होने की संभावना, और ये क्या किया, आसान सा कैच था, जाने दिया, दो रन मिले, 15 पर पहुंचता हुआ टोटल, क्या पहुंचेगा 16 पे, और ये 16 पे पहुंचता हुआ टोटल, 3 रन इस पहली गेंद के ऊपर। गेंदबाज बिलाल गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए, श्रद्धांजलि ट्रॉफी 2022, इनका स्लोगन काफी अच्छा है, वारसा इतिहासाचा ध्यास प्रगतीचा। यह क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी, डॉट गेंद आई, तेजी है, लेकिन आज मैचेस में दोनों अंपायर्स की तारीफ करनी होगी, शिंदे और भाविस्कर सर की, 15 मैच एक दिन में पूरा करना आम बात नहीं है। कल का दिन हमने देखा 7 मैच मुश्किल से पूरे हुए थे, और अब यह मैच चल रहा है 12वां। देखिए डॉट 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 गेंद की श्रृंखला शुरू है, लेकिन इस खेल में हमेशा मैं कहता हूं, डालने वाला नायक तो खेलने वाला खलनायक, क्योंकि इस खेल में डॉट गेंद खेलना मना है, बिंदी गेंदे खेलना मना है, लेकिन ये व्हाइट बॉल आया, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 17 रन, 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक बार ये गेंद, क्या डिक्लेरेशन जोन में जाएगी, लेकिन नहीं, एक रन जरूर मिला, क्या बल्लेबाज छक्का लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज को रोका, दूसरे रन का मौका ढूंढा नहीं। आखिरी बॉल होगा, दो गेंदे अभी भी शेष, गेंद हवा में, क्या होने की संभावना, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी उस गेंद के नीचे, और बहुत ही बढ़िया कैच लिया गया। भाविस्कर बल्लेबाज को समझा रहे, भाई आप कहाँ जा रहे हो, आप पैवेलियन जाना है आपको, वो सोच रहे थे चलो एक गेंद मिली है, एक छक्का मार दूं। और ये देखिए वैसा ही टोटल रुका हुआ मैच, अगर एक पॉइंट पहले भी ओवर दिया जाता तो टोटल वही रहता डॉट गेंद की वजह से, टीम का टोटल 18। देखिए मैंने नीलेश सर से कहा था ये मैच आप कीजिए, मैं नसीब वाला हूं, क्योंकि 18 रन अगर कल्पेश का बल्ला चला ना तो एक ओवर में ही खत्म हो सकते हैं। निश्चित तौर पर कैलाश जाधव ने कहा है कि नीलेश दादा मित्र मंडल और डीएसपी तो टॉस के लिए आना चाहिए, अगर तहसील वाइज आप वीरेश्वर ट्रॉफी में होता है खोपोली में, जिसे वर्ल्ड कप माना जाता है खोपोली विभाग का, तो कैलाश यादव ये कह रहे हैं कि पोलादपुर तहसील की भी टीम वहां पे जरूर वो लेकर जा सकते हैं। वहां पे भी लाइव शायद हो सकता है, गौरव सावंत का टेनिस क्रिकेट डॉट इन, हाँ पिछले कई सालों से यही तो कर रहे हैं, और कॉमेंटेटर कौन होगा, तुषार धुमाल। टॉस सटी यानंतरची मैच, और कॉमेंटेटर रहेंगे वहां पे विनोद सोलंकी, जिन्हें प्यार से मैं कहता हूं लल्लू, जो कभी नहीं बनते किसी से उल्लू, मेरे साथ रहते हैं।
टॉस यानंतरच्या मॅचचा खेळला जातोय. एका साईडला निले दादा कोळसकर मित्रमंडळ, तर एका साईडला डीएसपी नामनेवी सडवली आणि पळचिल, तीन गावं एकत्रित येऊन नगरपंचायत साठी खेळतायत. इम्पॉर्टंट मॅच, चांगली मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. यानंतर अभि केसरकर आणि मयूर खाडे दोन कर्णधार. टॉस जिंकलाय डीएसपी संघाने. निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय असेल. तर बॅटिंगसाठी निलेदादा कोळसकर मित्रमंडळ हा संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल. यानंतरची एक बिग फाईट तुमच्या समोर काही क्षणामध्ये. धन्यवाद. टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके है. 18 जीत के लिए 19 रनों की जरूरत. गेंदबाज अरे 12th मैन कहाँ गया है यहाँ पे? गोवेले ग्राम पंचायत का संतोष. गेंदबाजी की बागडोर को संभाले हुए संतोष. 19 रन बचाने की जिम्मेदारी है उनके ऊपर. लेकिन ये देखिए संदीप कदम सर ने आते ही गेंद को उठाया. डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद ट्रैवल होती हुई, लेकिन गेंद अच्छी तरीके से फील्ड हुई. रन मिले तो 17 की जरूरत आने वाली 23 गेंदों पर. और ये हमारी तरफ आती हुई डिक्लेरेशन जोन में 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. 16 की अभी भी जरूरत. गेंदे बची है 22. डीजे मास्टर ने ना बाउंड्री आई ना छे आया ना आउट हुए फिर भी गाना बजाया था. देखिए उन्होंने अपने खुद की जीत की खुशी में वो गाना बजाया था. देखिए नीलेश पवार एक बात तो सही है, संदीप कदम सर यहां पर खेल रहे हैं, आक्रामक खेलेंगे जरूर, लेकिन जो रिश्ता है ना आपके और भाविस्कर के बीच, रिश्तों का दोस्ती सबसे बड़ा होता है, दोस्ती का रिश्ता. नीलेश पवार और भाविस्कर की दोस्ती की लोग कसमें खाते हैं घाटकोपर में, लेकिन यहां पर किसने कसम खाई अपनी टीम को जितवाने के लिए? बल्लेबाज या गेंदबाज? संदीप कदम इस वक्त स्ट्राइकर एंड बार सीधे बल्ले से खेला, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट की खूबसूरती बयां करने वाला स्ट्रोक. लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन और इन 4 रनों के साथ टोटल बना 7. संदीप कदम क्या एंट्री हुई थी इनके पीटी बेल में, शानदार जानदार वजनदार. ये स्लोअर वन की थी. इनका डुप्लीकेट अगर आपको देखना है ना तो प्रफुल्ल ठाकुर के मैचेस देखिए आप उरण के. संदीप कदम सर का हूबहू मैं पहले फंस चुका था. जब ये मुझे पहली बार आरपीएल में मिले तो मुझे लगा कि मुझे प्रफुल्ल ठाकुर ही बुला रहे हैं, मैं खुद फंस चुका था. सही में सेम बॉडी लैंग्वेज. गौरव से पूछिए गेंद क्या. गेंद बाकी है इस ओवर की. 1 काउंटर है आपके पास भाविस्कर सर. गौरव सावंत. देखिए रॉस टेलर जब हमने कहा प्रवीण घरत को तो एक ने क्या किया था, रॉस टेलर और प्रवीण घरत का फोटो आमने सामने रखा था और पहचान में भी नहीं आ रहे थे रॉस टेलर कौन है और प्रवीण घरत कौन. उसी तरह अगर संदीप कदम का और प्रफुल्ल ठाकुर का फोटो सेशन अगर हो ना, नीलेश पवार आप भी चकरा जाएंगे. और संदीप कदम सर भी लेदर खेलते हैं, प्रफुल्ल ठाकुर भी लेदर खेलते हैं, वो भी रायगढ़ की 5 साल नंबर 1 की पोजीशन पर थे बल्लेबाजी के, और ये भी पिछले कई सालों से बल्लेबाजी में पोलादपुर तहसील में नंबर 1 की पोजीशन पे है. और अंपायर्स की तुलना अगर की जाए ना तो अंपायर जो है साइमन टवल और भाविस्कर, इनको जोड़ के देखिए. सर से अपेक्षाएं हैं,
लोगों ने कहा, यंगस्टर ने कहा, सर आप जैसा छक्का मारते हैं वैसा हमको देखना है ताकि हम भी आने वाले भविष्य में वैसे छक्के लगा सके। सुनील गेंदबाज, देखिए लेकिन आप नीलेश पवार वोटिंग लिस्ट ढूंढेंगे ना तो आपको पता होगा अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जहां पर नाम थे 71 सिंह 72 सिंह 73 सिंह, उसी तरह 22 कर के साथ साथ 23 कर भी हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है। टीम का टोटल 9 रन, 10 रनों की जरूरत। निश्चित तौर पर लेकिन मैच की तरफ हम फोकस करेंगे, गेंदबाज अच्छा काम कर रहा है लेकिन यह ऊंचा खेला, कहा कि सर आप छक्का मारी है लेकिन यह गेंद कहां पे ट्रेवल हुई है, 4-6 डीजे बाविस्कर दोस्त, अगर फर्स्ट आ जाए ना, फेल हो जाए तो दुख होता है, फर्स्ट आ जाए तो और ज्यादा दुख होता है। नीलेश पवार की और आपकी दोस्ती वैसी है, वो मुझे उकसा रहे हैं लेकिन गेंदबाज को उकसाया संदीप कदम ने, क्या बेहतरीन छक्का दागा और छक्के की वजह से 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 रनों की जरूरत। देखिए अंतिम समय में गेंद से अपना हाथ हटाया संदीप कदम सर ने, वरना हेल्डिंग द बॉल आउट हो सकते थे। देखिए वाविस्कर कह रहे हैं भाई आपको सब पता है, सम्माननीय और यह धोनी फिनिशिंग स्टाइल टच मिला इस मैच को, इस ओवर में दूसरा छक्का दाग के संदीप कदम ने यह दिखाया कि क्यों मुझे पोलादपुर में सर कहा जाता है, क्यों मैंने क्रिकेट के लिए अपनी पूरी उम्र खर्च की है, क्यों मैंने क्रिकेटर्स के लिए कई दरवाजे खोले हैं, एक छक्के से इस बात का पता चलता हुआ एक आसान जीत मिली टीम पोलादपुर को। पर समीर जाधव जो खेळाडू है त्याची मैच है आता, तर त्याला विनंती असेल की त्यांच्या खेळाडूंबरोबर त्याने जॉईन व्हायचं आहे। समीर जाधव, तर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जातोय गोलंदाजी करत असताना।